हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामा पुल। दोस्तों आज दो बड़ी खबरें लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, एक तो हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से एंड दूसरी टाटा की तरफ से। तो हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी नई जर्नी की शुरुआत कर दी है दोस्तों, अपने हीरो वीडा V1 इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, कल से इन्होंने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी शुरू कर दी है एंड बेंगलुरु से ये काम शुरू हुआ है। पहली डिलीवरी की गई है बेंगलुरु में एंड इस डिलीवरी को खुद अंजाम दिया है हीरो मोटोकॉर्प के सीईओ पवन मुंजाल जी ने। जी हाँ दोस्तों, एंड पवन मुंजाल ने कहा है कि हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं एंड वो इस डिलीवरी से काफी खुश भी हैं। तो ये अच्छी शुरुआत हुई है दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प के लिए। एंड दोस्तों बेंगलुरु के बाद अब इनका जो अगला टारगेट है वो दिल्ली एंड जयपुर है। अब बात करेंगे दोस्तों टाटा की खबर की, मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो टाटा की तरफ से खबर दोस्तों ये है कि टाटा ने एक नया माइलस्टोन अचीव किया है एंड ये माइलस्टोन ये है कि टाटा ने अपनी 50,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डिलीवरी कंप्लीट कर ली है। एंड ये जो 50,000वीं इलेक्ट्रिक गाड़ी है दोस्तों, ये है टाटा की नेक्सोन ईवी। अभी तक दोस्तों टाटा की नेक्सोन ईवी बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है इंडिया में एंड उसके बाद कहीं जाकर के टाटा की दूसरी गाड़ी टिगोर ईवी का नंबर आता है। एंड दोस्तों ये जो 50,000वीं डिलीवरी की गई है, ये खुद टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन जी को ही की गई है एंड इस माइलस्टोन को अचीव करके एन चंद्रशेखरन काफी खुश हैं। टाटा की नेक्सोन ईवी जैसा कि मैंने अभी बताया कि बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है इंडिया में एंड इसके साथ साथ बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक एसयूवी भी है एंड मोस्ट अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक एसयूवी भी है। तो ये माइलस्टोन ऑलरेडी टाटा के साथ साथ चल रहे हैं एंड टाटा नेक्सोन ईवी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो दो मॉडल्स के साथ अभी ये गाड़ी मार्केट में आती है। एक तो टाटा की नेक्सोन ईवी प्राइम एंड दूसरी है नेक्सोन ईवी मैक्स। नेक्सोन ईवी प्राइम में आपको रेंज थोड़ी कम देखने को मिलती है, मैक्स में आपको रेंज ज्यादा देखने को मिल जाती है। टाटा की नेक्सोन ईवी के बाद जो दूसरी गाड़ी है वो है टिगोर ईवी एंड करंटली यही दो गाड़ियां हमें ऑन रोड देखने को मिलती हैं टाटा की तरफ से, जो कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं। एंड इसके बाद जो तीसरी गाड़ी है दोस्तों, वो होने वाली है टियागो ईवी। टियागो ईवी लॉन्च तो हो चुकी है मगर अभी ऑन रोड देखने को नहीं मिलती क्योंकि इसकी डिलीवरी अभी शुरू नहीं हुई है एंड उम्मीद की जा रही है कि जनवरी से इसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी होगी। एंड दोस्तों इसकी डिलीवरी के बाद टाटा के पास तीनों सेगमेंट में इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, एक तो इलेक्ट्रिक हैचबैक, इलेक्ट्रिक एसयूवी एंड इलेक्ट्रिक सीडान। एंड दोस्तों टाटा मोस्ट अफोर्डेबल गाड़ियां बनाता है इसलिए इनकी गाड़ियां इतनी बिक रही है एंड दूसरा टाटा एक इंडियन ब्रांड तो है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। एंड दोस्तों इन तीन सेगमेंट के बाद जो कि मैंने अभी बताया, इसके बाद दोस्तों टाटा एक नए सेगमेंट में और एंट्री मारने वाला है, ये है माइक्रो एसयूवी इलेक्ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, टाटा पंच की भी क्योंकि खबर आ चुकी है, ये अगले साल यानी कि 2023 में लॉन्च हो सकती है ये गाड़ी एंड हो सकता है जनवरी में जो ऑटो एक्सपो होने वाला है नई दिल्ली में, उसमें ये गाड़ी शोकेस की जा सकती है। एंड टाटा पंच आने के बाद दोस्तों टाटा के पास चार इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो जाएंगी एंड टाटा नैनो की भी थोड़ी थोड़ी खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक में नैनो भी आ सकती है, हालांकि इस पर अभी कोई पक्की खबर नहीं है मगर ये खबर आ रही है दोस्तों। एंड दोस्तों आप क्या सोचते हैं टाटा की इन गाड़ियों के बारे में एंड टाटा ने जो माइलस्टोन अचीव किया 50,000 गाड़ियां कंप्लीट करने का, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एंड वीडा ने जो अपनी नई शुरुआत की है हीरो मोटोकॉर्प ने, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की जानकारियों के लिए ड्रामापुर को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।